दोस्तों लगातार 3 दिन दूध में ये चीजें उबालकर पी लीजिए। आपके शारीरिक कमजोरी, थकान, अनिद्रा, आंखों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की सूजन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडियों का दर्द, ये सारी तकलीफें आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स को निकालेगा, आपके दिमाग को तेज करेगा और साथ में आपके स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करेगा या आपके शरीर को फौलाद बना देगा। तो दोस्तों इस दूध को बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत है, चलिए अब वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपने लेना है 1 कटोरी मखाने। जितनी आप क्वांटिटी देख रहे हैं सेम आपको इतनी क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है मखानों का। मखाने कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, एंटी एजिंग का काम करते हैं, ये आपके शरीर पर, आपकी स्किन पर बुढ़ापा नहीं आने देते। अगर आपको मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, आपसे सीढ़ियाँ चढ़ा उतरा नहीं जाता, या फिर आपकी पिंडलियों में एडी होती है, उसमें दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आपकी कमर में मांसपेशियों में सूजन रहती है, ये सारे शरीर के दर्द को बिल्कुल ठीक कर देती है। आपका शरीर पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको इंटरनली कोई वीकनेस है, शारीरिक कमजोरी है या दिमागी कमजोरी है, आपको नींद नहीं आती, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सारी तकलीफें भी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये आपकी डाइजेशन को बहुत अच्छे से सुधारता है। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो वो इससे दूर हो जाती है। ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऑप्शन है, ठीक है, स्पेशली आपकी हड्डियों के लिए। आपकी बॉडी में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल करता है। अगर आपको नींद ना आने की समस्या है या आप स्लीपिंग पिल्स खाते हैं तो इसके बाद आपको वो सब खानी ही नहीं पड़ेगी, आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके साथ अपना दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने हैं, 1 चम्मच खसखस का। खसखस में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन बी, थायमिन, कैल्शियम, मैग्नीज बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी स्किन में एक मॉइस्चर प्रोवाइड करके रखता है। आपकी स्किन से जो भी जलन है या खुजली है, एक्जिमा है, इन सारी तकलीफ़ों को दूर करता है, आपके मानसिक तनाव को दूर करके आपके गुड हार्मोन रिलीज करता है। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आपको गुर्दे में पथरी हो जाए तो वो हट जाएगी। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और आपका शरीर बहुत एक्टिव फील करता है। इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में होने वाली नसों की सूजन, मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सारी तकलीफ़ों को बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है। आपने ऐड करना है 1 चम्मच खसखस का। आप देख लीजिए सेम आपको यही क्वांटिटी इसमें ऐड करनी है। इसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी धागे वाली मिश्री। देखिए मिश्री बहुत तरह की आती है, ये आपको लेनी है धागे वाली मिश्री। मिश्री आती है एक कटी हुई, वो होती है मशीन वाली, रिफाइंड, वो होती है बिल्कुल चीनी, जो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपके शरीर में मोटापा लेकर आएगी, सूजन लेकर आएगी और तरह तरह की बीमारियां लेकर आएगी। लेकिन धागे वाली मिश्री आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप चाहें तो उसमें मिठास के लिए 1 चम्मच हनी को भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए अब आप एक बर्तन ले लीजिए इस तरीके का और उसमें आप 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दीजिए। देसी घी डालना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम वेट लॉस के चक्कर में देसी घी से दूर भागते जा रहे हैं, लेकिन देसी घी आपकी हड्डियों में होने वाली घसरन जो होती है उसको कम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूती देता है। तो देखिए अब जैसे घी मेल्ट हो जाए, 1 चम्मच मैंने गाय का देसी घी लिया है, मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच खसखस जो हमने ली थी, उसको हल्का सा हमने रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भून लेना ताकि वो कच्ची ना रहे, थोड़ी पक जाए। अब आप देख सकते हैं ये पक चुकी है। अब इसमें हम 1 ग्लास दूध ऐड कर लेंगे। तो दूध ऐड करने के बाद इसमें मैं ये पूरे बाउल जितना मैंने निकाला था मखाने इसमें ऐड कर लूंगी, इनको अच्छे से पकाऊंगी और मिश्री भी इसी में ऐड कर लूंगी, ठीक है। इनको अच्छे से आपने पकाना है। देखिए दूध में कैल्शियम है, मखानों में कैल्शियम है, खसखस में कैल्शियम है। आज से इस दूध को लेना शुरू करें, 1 हफ्ते के अंदर आपको इसके विजिबल रिजल्ट दिखेंगे। इतना ज्यादा आपको फायदा दिखेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं अच्छे से उबल चुका है।
अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। आपको इसको एक खीर की तरह सेवन करना है, ठीक है? आपको मखाने चबाकर खाने हैं, खसखस को भी ऐसे पीना, तो चम्मच की सहायता से आप इस दूध को पिए और मखाने को अच्छे से चबा कर खाएं। अब जान लेते हैं इसको खाने का सही समय क्या है। आपने रात को सोने से एक घंटा पहले और खाना खाने के एक घंटे बाद आपको इसका सेवन करना है, क्योंकि आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में इस दूध से मिलने वाले फायदे आपके शरीर को प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इस दूध को गैस पर पका रहे होंगे तो आपने गैस का फ्लेम स्लो रखना है और 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाना है। चाहे तो आप दूध की क्वांटिटी 2 ग्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है, तो आप भी इसे खाएं, अपने घर में सब बड़े बूढ़ों को बच्चों को खिलाएं। स्वस्थ रहें, हमेशा ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।